हाय फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज संग्राम सिंह। दोस्तों, आज का ये व्लॉग जितना सरप्राइज से भरा आप लोगों के लिए है, उतना ही सरप्राइज से भरा हम लोगों के लिए भी है। एक्चुअली कुछ दिन पहले क्या हुआ था, मेरी भाभी और मेरे जो बड़े भाई है अर्जुन सिंह, वो डीमार्ट शॉपिंग करने गए थे और उन्होंने वहाँ पर कोई फॉर्म फिलअप किया था। तो वहाँ से अभी हम लोगों को कॉल आया है एक घंटे पहले कि हम लोग कुछ इनाम जीते हैं, कोई चांदी का सिक्का और भी दो इनाम है, पर पता नहीं है क्या है। तो अभी हम लोगों को जाना है वाशी, वहाँ पर हम लोगों को बुलाया गया है, गिफ्ट वगैरह सब रेडी है, बस जाके लेना है। 2016 के स्टार्ट में मेरे मॉम और मेरे डैड भी सेम प्राइस जीते थे, कुछ तो जीते थे सेम तरह के गिफ्ट। तो अभी जा रहे हैं मैं, मेरी तीन भतीजिया, मेरी जो भाभी है वो, और साथ में मेरी मम्मी भी जा रही है, मेरे जो बड़े भाई और मेरे डैडी, वो लोग तो काम पर गए, अपने को छुट्टी है। 6:20 हो रहे हैं। हाँ, डॉल को हाई बोल दो, ये बच्ची के बोल रही है, डॉल को हाई बोलो। ट्रेन से जाएगी, रिक्शे से जाएगी, बस से जाएगी, कोई आइडिया नहीं है। चल आई, हाँ लाव लो लाव लो लाव लो। एक्चुअली अभी ये पानी छोड़ने का टाइम है सोसाइटी में, तो अभी तो हम लोग सब बाहर जा रहे हैं, तो ऊपर जो टाकी रहती है जिसमें पानी छोड़ते हैं उसमें कॉक लगा दिया है मैंने। तो आज जो थोड़ा बहुत पानी रहेगा उतने से काम चलेगा। दिन में दो बार पानी छूटता है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, तो दो टाकी हम लोगों की, एक नीचे एक ऊपर, तो हम लोगों के लिए हो जाता है बराबर पूरे फैमिली के लिए। तो साथ में ये एक बच्ची है अंजलि, ये एक बच्ची है खुशी, और एक वो छोटी सी बच्ची है शीतू महाराज। हेलो दोस्तों, तो ये मेरी फ्रेंड है आकांक्षा, और ये मेरी छोटी सी बहन है खुशी, और ये मेरी मम्मी, और ये मेरे कोरोना वायरस, और मेरी एक आजी है बहुत प्यारी, तो मेरी आजी उधर से चल रही है। तो अभी जा रहे हैं रिक्शा से, एक तरफ का किराया होगा 80-90 रुपीज, पर ठीक है, बच्चे लोग हैं सब साथ में, तो सब लोग का सेटलमेंट हो गया रिक्शे में। ये बच्ची इतने से अकेले रोने लग गई है कि इसे मेरे पास नहीं बैठने दिया, वहाँ पर बीच में बिठाया। तो हम लोग जाना था, वहाँ पहुँच गए, पीछे है वाशी स्टेशन और यहाँ पीछे है इनऑर्बिट मॉल, और हम लोग को जिस बिल्डिंग में जाना है वो है हवरे। ये जो पीछे आप लोगों को ब्रिज दिख रहा है उसके आगे ये वो बिल्डिंग, और वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे जाना है हम लोगों को। और ये बच्ची का जूता गिर गया है रिक्शा में या किधर, तो इसने गिरा दिया है। आपने जूता गिरा दिया शीतल? सो ये इज दैट हवरे फैंटेसी पार्क। तो हम लोग आगे अंदर हवरे फैंटेसी पार्क, और यही ग्राउंड फ्लोर पे G188 करके रूम है, और यहाँ पर कुछ फंक्शन वंक्शन था शादी का। आ जाओ खुशी, चलो G188 तब तक ढूंढते हैं सब लोग के आने तक। तो एड्रेस में लिखा था कि MI सर्विस सेंटर के सामने ही है, तो ये रहा MI सर्विस सेंटर। आई एम नॉट श्योर कि अंदर व्लॉग करने मिलेगा नहीं मिलेगा, बट आई विल ट्राई। संग्राम सिंह, अच्छा आपको कोरोना कॉल के लिए ना, सोनाली आप लोग साथ में होते? हाँ, सोनाली। पूरा 1.5 घंटा अंदर स्पेंड करने के बाद अभी हम लोग बाहर निकले, और यार ट्रस्ट में इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था ना मैं अंदर, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था ना, ऐसे लग रहा था अभी दरवाजे को लात मारूं और बाहर निकलूं, कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी माँ भी इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, और ये बच्चे लोग रो रहे थे, तो मेरे भाभी के चक्कर में आ गया मैं। क्या ही बैठ ला, कुछ नहीं मिला, बाबा जी का टुल्लू मिला। शीतू को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तुला कसं वाटत होतं आतमध्ये? काय बाबा, डोकं लागलं तुला काय ते काय? एक तो लोगों ने जोर जोर से म्युझिक लगाया था, नहीं ना जैसे अंदर के वो लोग ने बोला कैमरा यूज नहीं कर सकते, बोला ठीक है, हाँ ठीक है, मैं भी समझा कि कैमरा यूज नहीं कर सकते, पर अभी समझा कि क्यों कैमरा यूज नहीं कर सकते, आपको एंड ऑफ द व्लॉग बताता हूँ मैं कि क्या सीन क्या था। अंदर इतने जोर जोर से गाने बज रहे थे कि एक आदमी दूसरे आदमी की बात ना सुन सके, यहाँ आके कोई भी फायदा नहीं हुआ, एक तो छोटी सी बच्ची का जूता घूम गया, ऊपर से रिक्शे का भाड़ा भी गया। अरे ट्रेन नहीं जाऊ आरामशीर, ट्रेन खाली असती, चल ना स्टेशन ला उतरून लोक काय खात्या, पाणीपुरी काय तुम्ही खावा, मग जाऊया घरात। हां चल आता रिक्षा नी लय टाइम लागन, रिक्षेचं टाइम पूरा ट्रॅफिक रहेगा पूरे रोड पे, एक सिग्नल पर 10-10 मिनट वेट करना पड़ेगा, एक सिग्नल वर 10-10 मिनट वेट करायला लागेल। जाएंगे ट्रेन से आराम से बैठ के एकदम मस्त सुकून से स्टेशन पे उतरेंगे, बच्चे लोगों को कुछ खाना पीना है, और उसके बाद जाएंगे घर पे, और उसके बाद रिवील करेंगे कि जहाँ पर हम गए थे वो स्कैम था या क्या था भैया, तो ये आप ही डिसाइड करना। ओके, तो ये लोग अभी वहाँ पर रुके, मैं जा रहा हूँ टिकट निकालने के लिए। 4 घनसोली अरे
अभी हो रहे 8:45 और 8:50 की ट्रेन है, तो 5 मिनट में ट्रेन छूटने वाली है और ट्रेन यहीं पर लगी हुई भी है। घनसोली पहुंच गए, स्टेशन से भी बाहर आ गए, तो अभी ये थोड़ी शॉपिंग चल रही है, लक्की कलोली है। ये मेरा फ्रेंड है, जब ये बच्चा था डॉगी, तो हम लोग सोसाइटी में रहता था। तो ये बच्चा नाई का कर रहे हो, अपना दोस्त था है। तो तभी मैं इसे पार्लेजी वगैरह खिलाता था, तो तभी से मुझे जिधर भी देखता पकड़ लेता है, लेकिन अभी ये थोड़ा बदमाश हो गया, अभी ये पार्लेजी नहीं खाता है, इसको इधर चाहिए चिकन रोटी तंदूरी। तो हमारी जो भतीजी थी उनका जो जूता था वो गिरा था, वो हमें मिल गया यहाँ पर, जहाँ से हम लोगों ने रिक्शा पकड़ा था वहीं पर हमारी भतीजी का जूता मिल गया हम लोगों को। तो फाइनली घर पे पहुंच गए, घर से निकले थे 6:15 और अभी बज रहे हैं 9:45। और जहाँ पर हम लोग गए थे, कसम से यार एकदम दिमाग खराब हो गया। लेकिन क्या था वहाँ पर, वहाँ पर हम लोगों को एक्चुअली एक ट्रैवलिंग स्कीम बताई गई कि आप कैसे एक बजट में आप ट्रैवल कर सकते हो, पर क्या वो फ्रॉड था या कोई जेन्युइन स्कीम थी ये तब भी मैं बता सकता था अगर मैं वो स्कीम लेता। लेकिन हम लोगों को ऐसे बताया गया, दो स्कीम है, एक 5 साल की एक 3 साल की। 5 साल की स्कीम में आपको 60,000 पे करना होगा और 3 साल की स्कीम में 40,000 पे करना होगा। इसमें आपको हर साल में एक बार 4 days 5 nights का पैकेज ले सकते हो और घूम सकते हो, और वहाँ पर आपको 3-4 star जो होटल है वहाँ पर आपको रहना फ्री होगा, खाना फ्री होगा, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग का एक्सपेंस देना होगा, और अगर आप कुछ अलग एक्सपेंस करते हो तो वो आपको मेंटेन करना होगा, बाकी सारा खर्चा हमारा जो ट्रैवलिंग एजेंसी है उनकी तरफ से उठाया जाएगा। लेकिन उन लोगों का कहना ये था कि आपका जो भी डिसीजन है वो अभी के अभी लो, तो अगर आपको चाहिए तो अभी के अभी ऑन द स्पॉट पैसा भरो। उन लोगों के पास EMI ऑप्शन भी थे, लेकिन मैंने बोला नहीं, फिलहाल मेरी जो करंट सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन वो सही नहीं है, तो मैं अभी ये स्कीम नहीं ले सकता। और वो लोग इतने हड़बड़ी में थे ना कि हाँ बताओ आप क्या यूज़ करते हो, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, क्या यूज़ करते हो, कौन सा क्रेडिट कार्ड है, कैसा है, क्या है, क्या नहीं है, आप अभी पे करो, आप तभी पे करो, कितना पे करोगे, कितना नहीं, मतलब जो लोग का अंदर से ये था ना कि भाई अभी करो अभी करो अभी करो, तो वो थोड़ा शक पैदा कर रहा था मुझे, इसलिए मैंने बोला कि नहीं मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, हमें एक चांदी का छोटा सा सिक्का दिया, क्या पता अभी सही है झूठ है क्या है गलत है, और एक छोटा सा पेपर दिया कि हाँ भाई आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, एक ट्रैवलिंग आपको हमारी तरफ से फ्री दी जाती है। अब ये पेपर कितना जेन्युइन है कितना नहीं है मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। दिस इज़ द पेपर, बिलेटेड हैप्पी होली, क्योंकि ये व्लॉग शायद मैं होली के पहले डालूंगा, होली के बाद मेरे को कोई आइडिया नहीं है। अगर आप ये व्लॉग होली के पहले देख रहे हैं तो हैप्पी होली इन एडवांस, अगर होली के बाद देख रहे हैं तो बिलेटेड हैप्पी होली, बाय बाय, टेक केयर। एक बात हमेशा याद रखने का, छोटी काय बात याद रखने का, बोला भाभी तुम्हें बोला टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, फुल ऑन लाइफ जीने का।